सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मिडवाइफरी के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। मैं इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में बेसिकली आ सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, तो आपकी 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछने की संभावनाएँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो देखिए, जिसने कि फर्स्ट क्वेश्चन है फीटल स्कल को जानेंगे। सेकंड क्वेश्चन है गर्भधारण पूर्व देखभाल, जिसको प्री कॉन्सेप्शनल केयर कहते हैं, उनको देखेंगे, नोट्स वाइज देखेंगे सब कुछ। और क्वेश्चन थ्री है गर्भावस्था के दौरान महिला में होने वाले चेंजेस। तो चलिए नोट्स के थ्रू देखते हैं इनको। तो फीटल स्कल की बात करते हैं कि फीटल स्कल आखिरकार होता क्या है। थोड़ा जूम करते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो देखिए, जो फीटल स्कल होता है ना, फीटल स्कल जिसको हम हिंदी में भ्रूणीय कपाल कहते हैं, फीटल स्कल जो होता है वो ओवल शेप्ड का होता है या बोन से निर्मित एक खोल होता है। मतलब जो फीटल स्कल होता है ना, वो बोन से निर्मित एक खोल होता है जो कि क्या करता है, जो फीटस के अंदर मटेरियल्स रहते हैं, मतलब माइंड जो होता है, उन सब की रक्षा करता है। इस प्रकार फीटल स्कल जो होता है वो भ्रूण के ब्रेन की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। और बच्चे की खोपड़ी में कुल 5 बोन्स पाए जाते हैं। तो ये चाहे बच्चा हो या फिर कोई ह्यूमन हो, बड़ा इंसान हो, सबके अंदर जो फीटल स्कल होते हैं वो इसीलिए होते हैं जिससे कि जो आंतरिक जो चीज़ें हैं उन सब की रक्षा हो सके, चोट लगे या फिर कुछ भी हो तो उन सब बाहरी आघातों से सुरक्षा करने के लिए। ऊपर से ये हड्डी का जो ढांचा बना रहता है वो बस इसीलिए ही रहता है। तो इसमें कौन कौन से बोन होते हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें 2 फ्रंटल बोन होते हैं, 2 पेराइटल बोन होते हैं और 1 ऑक्सीपिटल बोन होते हैं। 2 फ्रंटल, 2 पेराइटल, 1 ऑक्सीपिटल, कितने बोन हो गए, 5 बोन कुल हो गए। और वैसे अगर टाइप्स की बात पूछे तो कितने टाइप्स के बोन होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं, 1 फ्रंटल और 1 पेराइटल और 1 ऑक्सीपिटल। ठीक है, तो इसका कोई हिंदी में ऐसे नाम नहीं है तो आप लोग को ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इसमें सूचर की बात करें तो सूचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं अपना। सूचर्स अगर आप लोग देख देंगे तो इसमें कुल सूचर्स जो होते हैं, मुख्यतः अगर सूचर्स की बात करें तो मुख्यतः तो 2-4 ही होते हैं, सॉरी, लेकिन एक जो स्क्वेमस है, स्क्वेमस भी है, लेकिन आपको लिखना है कि मुख्यतः 4 ही होते हैं, ना कि 5 प्रकार नहीं लिखना है, मुख्यतः 4 ही लिखना है। फिर एक एक्स्ट्रा होता है स्क्वेमस, उसको मुख्य में नहीं मानते हैं। तो पहला जो है वो फ्रंटल सूचर है, दूसरा कोरोनल सूचर, तीसरे को हम सेजाइटल सूचर कहते हैं या लॉन्गिट्यूनल भी कह सकते हैं, चौथा जो होता है उसको लैम्बॉइड सूचर कहते हैं, और एक जो है वो होता है स्क्वेमस जो कि पेराइटल को टेम्पोरल से जोड़ने का कार्य करता है। फ्रंटल सूचर जो होता है वो फीटल स्कल की 2 फ्रंटल बोन के बीच पाया जाने वाला फ्रंटल सूचर्स कहलाता है। तो ये सब अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आप लोग लिख देंगे और जो चीज़ें बता रही है उसको लिख दीजिए बस। कोरोनल सूचर कहाँ पाया जाता है, सेजाइटल सूचर कहाँ पाया जाता है, अगर अभी तक याद है आपको, मतलब आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, बट अब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर अभी तक नहीं याद है तो। तो फॉन्टेनले जो होता है वो, हाँ, फॉन्टेनले आप लिख सकते हैं कि फॉन्टेनले, क्योंकि मैं इजी चीज़ें ही बता रही हूँ आप लोगों को जो कि आप अगर इस टाइम में याद करें तो याद हो जाए। तो फॉन्टेनले क्या होता है, तो फीटल स्कल में बोन्स के बीच में जो पाया जाने वाला खाली स्थान होता है या फिर गैप होता है, मेम्ब्रेन्स के बीच का जो गैप होता है उसी को हम फॉन्टेनले कहते हैं। फीटल स्कल में 2 प्रकार के फॉन्टेनले होते हैं, एक एंटीरियर फॉन्टेनले, एक पोस्टीरियर फॉन्टेनले। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चा लोग होते हैं ना, तो उनकी वो लोग जब सांसें लेते हैं, छोटे बच्चों को अगर आप लोग देखे होंगे तो वो लोग जब सांसें लेते हैं तो उनकी जो ऐसे ऊपर सिर के मतलब सिर पे एक ऐसे बीच में ऐसे सिर रहता है, यहाँ पे आगे की साइड ऐसे जब वो सांस लेंगे तो वो ऊपर उठेगा, नीचे उठेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो उसी को फॉन्टेनले कहते हैं। और एक पीछे भी होता है, तो पीछे तो कम ही टाइम में, अगर आप एक बिल्कुल न्यू बॉर्न को देखे होंगे तो फिर आप लोग देख सकते हैं उसको। तो अगर आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी है तो आप लोग उसको देखना, तो पीछे भी ऐसे होता है पोस्टीरियर भाग पे कि जब वो सांस लेता है तो पीछे उठता है और बैठता है, उठता है और बैठता है, ये क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये
फॉन्टेनले जो हैं किस तरीके के होते हैं। तो देखिए जो एंटीरियर होता है और पोस्टीरियर होता है, एंटीरियर जो होता है वो डायमंड के आकार का होता है, कुल चार सूचर के मिलने से बनता है, वन फ्रंटल सूचर, वन सेजाइटल सूचर और टू कोरोनल सूचर। पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर जो होता है वो ट्रेंगुलर शेप का होता है, ये तीन सूचर्स के मिलने से बनते हैं और वन सेजाइटल एंड टू लैम्बॉइड। तो इसमें अंतर कभी कभी पूछ लेता है कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में क्या अंतर होते हैं। और जो एंटीरियर होता है वो ब्रिग्मा के नाम से जाना जाता है और ये 18 महीने में बंद हो जाता है, लेकिन जो पोस्टीरियर फॉन्टेनले होता है तो वो क्या होता है कि वो उसको हम लैम्डा के नाम से जानते हैं और यह जन्म के 6 सप्ताह बाद बंद हो जाता है, मतलब 1.5 मंथ बाद ये बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीकॉन्सेप्शनल केयर, तो गर्भधारण पूर्व देखभाल कौन कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए गर्भधारण से पूर्व दंपति को प्रेगनेंसी के बारे में परामर्श देना ही प्रीकॉन्सेप्शनल काउंसलिंग कहलाता है। तो जो गर्भधारण से पूर्व जो जो एलिजिबल कपल्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए कि उनको प्रेगनेंसी के बारे में जो कुछ भी सलाहें दी जाती हैं उसको प्रीकॉन्सेप्शनल काउंसलिंग के अंदर, मतलब गर्भधारण पूर्व देखभाल के अंतर्गत रखा जाता है। तो दंपति से गर्भावस्था संबंधित विभिन्न पहलुओं पर वार्तालाप करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला में स्वयं तथा उसके गर्भ के अंदर पल रहे जो बच्चे होते हैं, पल रहे शिशु के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम रहता है। गर्भधारण से पूर्व परामर्श की अनुपस्थिति में जब महिला गर्भधारण सुनिश्चित हो जाने के पश्चात प्रेगनेंसी के तीसरे तथा चौथे महीने में एंटीनेटल क्लिनिक की विजिट करती है, तब वह बहुत देर हो चुका रहता है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु में अंगों के विकास हो गए रहते हैं और इस प्रक्रिया में ओजेनेसिस प्रक्रिया के प्रथम ट्राइमेस्टर स्टार्टिंग 12 वीक्स के दौरान ही लगभग पूर्ण हो चुकी रहती है। यदि इस दौरान महिला में डिफिशियंसी रहती है तो फिर क्या होता है, डिफिशियंसी अथवा किसी विपरीत कारक की वजह से उपस्थित रहते हैं तो उन्हें एंटीनेटल विजिट के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। कहने का सीधा साधा मतलब ये है कि अगर किसी भी महिला को पहले से ही गर्भधारण पूर्व से ही उसी इन सब चीज़ों के बारे में पता हो जाना चाहिए, अगर उनकी शादी हो तो उसकी पहले ही उनको बता, मतलब शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो है ही कि वो एक ना एक दिन माँ बनेंगी, तो उसके बाद उनको क्या करना चाहिए कि उनको पहले ही बता देना चाहिए, माँ बनने से पहले ही बता देना चाहिए कि क्या क्या घटनाएँ होती हैं और कितनी विजिट आपको, अगर जैसे कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपको कितनी क्लिनिक की विजिट करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं और आपको किसी भी बात को छिपाना नहीं है, तुरंत ही बताना है, जैसे ही आपके पेट में बच्चा आए तुरंत बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप छिपाएंगी तो आपको टीटी के इंजेक्शन नहीं लग पाएंगे और बहुत सारे लाभ से आप वंचित रह जाएंगी। तो कोई भी चीज़ हो तो तुरंत बताना है, और उसके बाद जिससे कि अगर कोई भी कमी आ रही है, जैसे कि एनीमिया की कमी आ रही है या फिर कुछ और कमी आ रही है, तो उन सबको भी पूरा करने की जितनी भी कोशिश हो वो की जा सके। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो कि गर्भधारण पूर्व देखभाल की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं, आपको ऐसे इसी तरीके से लिखना है कि उद्देश्य किस तरीके से क्या होते हैं। तो गर्भधारण से पूर्व परामर्श दंपति से प्रेगनेंसी संबंधित विभिन्न इशू के बारे में विचार विमर्श करने का एक उत्तम अवसर प्रदान करता है। इस परामर्श के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि पूर्ण रूप से स्वस्थ माता ही गर्भधारण करेगी, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान उसकी स्वयं तथा उसके फीटस के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतम होता है। तो इसका सीधा साधा मतलब यही होता है, इस परामर्श के द्वारा ऐसे इस परामर्श के द्वारा क्या होता है कि ऐसे बायो मेडिकल बिहेवियरल तथा सोशल खतरों को पहचान कर उन्हें दूर किया जा सकता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला और उसके फीटस के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इस परामर्श के द्वारा दंपति की विशेष रूप से महिला को प्रेगनेंसी के दौरान रखने वाली सावधानियों के बारे में हेल्थ एजुकेशन प्रदान किया जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई भी, जैसे कि महिला में पहले से ही कोई किसी भी तरीके से एनीमिक है या फिर किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी है, तो उसका पहले ही समय रहते ही पहले इलाज करना है, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी को कंसीव करना है। तो इसके उद्देश्य यही होते हैं कि जिससे कि जो माँ हो वो एक अच्छे बच्चे को जन्म दे, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे और खुद भी स्वस्थ रहे। तो इसका सीधा साधा उद्देश्य यही होता है कि पहले से एजुकेट करने का।
गर्भधारण से पूर्व परामर्श के तत्व क्या है? तो रिस्क फैक्टर से का पता लगाने के लिए गर्भधारण से पूर्व परामर्श का सबसे प्रमुख तत्व है इन कारकों की पहचान करना। वो क्या क्या से हैं? पूर्व में हुई किसी मेडिकल अथवा सर्जिकल बीमारी की हिस्ट्री का पहचान करना, जैसे कि अगर आप पहले से ही जाकर अगर वो फैमिली प्लानिंग की मतलब बच्चे के लिए सोच रही हैं तो फिर आप उनको उनसे पूछेंगे, अच्छा अगर कोई भी हिस्ट्री तो नहीं है ऐसी वैसी हिस्ट्री, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो अगर पहले वाली प्रेगनेंसी में घटनाएँ घटित हुई रहती हैं तो वो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें पूछना है कि अच्छा पहले की आपकी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से है, और प्रसूति संबंधी हिस्ट्री मतलब वही सब लेबर के दौरान कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित हुई थी या फिर नॉर्मल अच्छे तरीके से हो गया था। पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल भी बहुत सारी हिस्ट्री होती है, जैसे कि पर्सनल प्राइवेट चीज़ों के बारे में पूछना है, और फिर फैमिली के बारे में फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि फैमिली में कोई भी व्यक्ति किसी भी डिजीज से अगर सफ़र कर रहा है तो ये देखा जाता है, अगर जैसे आंशिक बीमारी है तो उसको पहले ही रोकने की कोशिश किया जाता है कि अगर आपके परिवार में ऐसी कोई बीमारी है तो अगर उसका इलाज हो सके तो पहले ही गर्भावस्था के दौरान ही उसका इलाज हो सके, जिससे उस बच्चे को ये बीमारियां ना हों। तो यही सब काउंसलिंग के एलिमेंट्स होते हैं, और यदि आवश्यक हो तो लेबोरेटरी के परीक्षण में भी किए जा सकते हैं, मतलब अगर आवश्यक है तो फिर टेस्ट वगैरह पहले करवा लेना चाहिए। और रिस्क फैक्टर की पहचान के बाद यदि संभव हो तो उन्हें मॉडिफाई किया जाता है ताकि गर्भावस्था के दौरान महिला तथा उसकी गर्भस्थ शिशु को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, मतलब किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो, इसलिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। पूरक फोलिक एसिड, तो फोलिक एसिड जो होता है वो महिला में गर्भधारण से लगभग एक महीने पहले फॉलिक एसिड टेबलेट देना प्रारंभ कर देना चाहिए, और ये कितने दिन तक देना चाहिए, 3 माह तक ये चीज़ें देनी चाहिए, जिससे उनके अंदर किसी भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जो संभावना होती है वो सब चीज़ें ना हो और एनीमिया से भी वो बची रहें। फॉलिक एसिड की गोलियां गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की संभावना को रोकती हैं, जो कि मैंने आपको बताया। तो महिला में मौजूद मेडिकल डिजीज़ के बारे में परामर्श लेना है, और यदि महिला में पहले से कोई क्रोनिक डिजीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है तो उनके उपचार की सलाह देनी चाहिए। यही सब चीज़ें होती हैं। टीकाकरण, टीटी का इंजेक्शन करवाना चाहिए, जिससे कि अगर वो गर्भावस्था में है तो सबसे पहले टीटी का इंजेक्शन उनको करवाना है। तो बस यही सब चीज़ें आती हैं। मनोवैज्ञानिक सहारा देना है और आनुवंशिकता की जांच करनी है, आनुवंशिक जो भी बीमारियां हैं उनकी रोकथाम करनी है, ये सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं एक गर्भावस्था पूर्व देखभाल की। अब बात करते हैं चेंजेस इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये काफ़ी बार, क्योंकि मॉडल पेपर में ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछा गया, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और मैं ये बता दूं कि जैसे मैं जो चीज़ें पढ़ाती हूँ उसके बाद फिर आपको समझना है, उसके बाद फिर वीडियो को रोक रोक के आपको खुद से ये नोट्स पढ़ना है और उसके बाद खुद से अपने माइंड में रिविज़न करना है, ठीक है। तो गर्भावस्था के दौरान एक महिला में कई संरचनात्मक, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल तथा बायोकेमिकल परिवर्तन होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ये परिवर्तन न केवल महिला के जनन तंत्र बल्कि शरीर के अन्य अंग जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, लीवर, एंडोक्रीनियल ग्लैंड्स आदि में भी दिखाई देते हैं। तो देखो, प्रेगनेंसी के दौरान ना केवल वेजाइना में चेंजेस होते हैं बल्कि आप लोगों को पता ही है कि पूरी बॉडी में चेंजेस होता है, क्योंकि कहीं रक्त की आपूर्ति बढ़ रही है तो कहीं जिम्फॉइड तक आ जा रहा है बेबी, तो उस वजह से रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारी मतलब पूरी बॉडी इफ़ेक्ट करती है प्रेगनेंसी की कंसीव करने पर। और चेंजेस इन यूट्रस, तो यूट्रस में सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। तो महिला की गर्भवती होने पर सर्वप्रथम यूट्रस में ही परिवर्तन दिखाई देता है तथा यूट्रस में ही सर्वाधिक मात्रा में परिवर्तन होते हैं। इसका वेट लगभग 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि 50 से 60 ग्राम होता है, तो फिर 5 गुना 10, हाँ 20 गुना बढ़ जाता है, 100 गुना ये गलत है, 20 गुना बढ़ जाता है। तो 20 गुना क्योंकि 50 में अगर आप डिवाइड सॉरी गुणा करेंगे 10 का तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 50 से 60 ग्राम होता है, वहीं 1000 से 900 से 1000 ग्राम हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे जो यूट्रस। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं यूट्रस में। सामान्य अवस्था में जो यूट्रस का वजन होता है वो 15, यही सब है जो मैंने आपको बताया। तो नॉर्मल पोजिशन में इसका जो आकार होता है वो 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई और
और चौड़ाई की बात कर रहा है और ऊंचाई कितनी होती है उसकी बात है। तो टर्म मतलब मोटाई, इसमें तो ऊंचाई आएगा नहीं, लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है तो ये इतनी होती है। लेकिन टर्म के समय इसका प्रकार बदल जाता है, जायज़ सी बात है, जब इसमें ज़्यादा वजन हो जाएगा, कहाँ 50 से 60 ग्राम था, कहाँ अब इतना ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर उसके बाद जो भी लंबाइयाँ हैं वो सब तो बढ़ेंगी ही, तो वो 30, 22 और 20 के रेशियो में हो जाता है। गर्भावस्था की विभिन्न अवधियों के दौरान गर्भावस्था की आकृति का परिवर्तन देखते हैं। तो देखो, उस गर्भावस्था की जब स्टार्टिंग फेज होती है ना, तो स्टार्टिंग में 8 से 10 वीक पर ये पियर स्पेस का होता है, ठीक है, और 12वें सप्ताह पर ये ग्लोबुलर, जिसको हम राउंड शेप कह सकते हैं, तो ये राउंड शेप का हो जाता है, और 28वें सप्ताह पर ओवल शेप्ड या फिर हम अंडाकार कह सकते हैं हो जाता है, और 36वें जो सप्ताह है उस पर स्फेरिकल के आकार का हो जाता है। सर्विक्स में क्या परिवर्तन होता है? तो प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है, परंतु यह बल्कि हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स अत्यधिक सॉफ्ट हो जाता है, जिसे गुडल साइन कहते हैं, और सर्विक्स की कनेक्टिव तथा इलास्टिक टीशू में हाइपरट्रॉफी तथा हाइपरपेसिया हो जाता है। ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण ब्लूइश दिखाई देता है। जैसे कि क्या होता है सर्विक्स में, देखो सर्विक्स जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने के साथ साथ इसमें ना ब्लड की आपूर्ति कम हो जाती है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये नीले कलर का दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस होते हैं सर्विक्स में, बाकी लंबाई वगैरह में कोई चेंजेस नहीं होता है इसके। और ओवरी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं? तो प्रेग्नेंट महिला की एक ओवरी में गर्भावस्था की शुरुआत 6 से 8 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम्स पाई जाती है, जिसमें स्रावित होने वाले प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसकी एक ओवरी में गर्भावस्था की जो शुरुआती स्टेज होते हैं वो पाए जाते हैं, और इसी में कार्पस ल्यूटियम में पाई जाती है, तो इसी से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पूछे किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहता है। तो कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होते हैं ओवेरियन फॉलिकल परिपक्वन को भी रोकते हैं, यही सब है। फिर चेंजेस इन फैलोपियन ट्यूब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या चेंजेस होता है फैलोपियन ट्यूब में? तो जो फैलोपियन ट्यूब की कुल लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है, और वैस्कुलरिटी जो होती है वो भी बढ़ जाती है, मतलब फ्लेक्शन जिसको कहते हैं, ये यूट्रस के साइड के लगभग ऊर्ध्व स्थित होती है, आपको स्थिति पता ही है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि लंबाई वगैरह फैलोपियन ट्यूब की भी क्या होती है कि बढ़ जाती है। वल्वा में क्या चेंजेस होते हैं? तो वल्वा में जो चेंजेस होते हैं, वल्वा में रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है, और लेबिया माइनोरा में हाइपरट्रॉफी बढ़ जाती है तथा पिगमेंट हो जाता है, मतलब इसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है वल्वा का। चेंजेस इन वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वेजाइना की भित्ति वेजाइनल वॉल में हाइपरट्रॉफी एवं हाइपरबेलिज्म हो जाता है तथा एडिमा हो जाता है, मतलब वेजाइना में जो है ना, तो यहाँ पे सूजन की जो सूजन वगैरह आ जाता है। जयकुमार साइन भी इसी वेजाइना में ही देखा जाता है, तो जो वेजाइनल वॉल होता है उसकी तरफ जब रक्त जो आपूर्ति होती है, रक्त की मात्रा जैसे कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाती अच्छी तरीके से, तो उसमें क्या होता है कि ये भी ब्लू कलर का मतलब नीला हो जाता है। आपको पता है जहाँ भी रक्त नहीं अच्छे तरीके से पहुँच पाता है तो वहाँ का जो स्थान होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, इसे ही हम जयकुमार साइन कहते हैं। जयकुमार साइन पूछे कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वजाइना के अंतर्गत देखने को मिलता है। और फिर ब्रेस्ट में क्या होता है चेंजेस? तो ब्रेस्ट में देखो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना उसको ही दिखा रही हूँ, बाकी जो चीज़ें गाथाएं हैं उसको नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। तो चेंजेस इन ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो रक्त आपूर्ति की बढ़ने तथा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के प्रभाव के कारण गर्भावस्था के दौरान स्तनों में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट, जो ब्रेस्ट होता है वो काफ़ी इनलार्ज हो जाता है, और टेंडरनेस उसके अंतर्गत आ जाता है, मतलब टाइटली हो जाता है ऐसे, और उसके बाद निप्पल्स तथा एरियोला का डार्क हो जाना, जो निप्पल्स होती हैं और एरियोला होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है, और मायोमेट्री ट्यूबरकल्स, मतलब
जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, उसको कहते हैं ये। तो ब्लैक ब्लैक काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो जाता है निप्पल्स की जगह पे, और ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रॉम का सिक्रीशन होने लगता है। मतलब कोलेस्ट्रॉम जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, उसको कोलेस्ट्रॉम ही कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी महिलाओं में प्रेगनेंसी अभी डिलीवरी नहीं हुई रहती है, मतलब लेबर प्रक्रिया नहीं स्टार्ट हुई रहती है, उसके पहले ही उनकी ब्रेस्ट से थोड़ा बहुत मिल्क निकलने लगता है, तो उसको हम कोलेस्ट्रॉम ही कहते हैं। और सेकेंडरी एरियोला का निर्माण होने लगता है। अच्छा, वेट कितना होता है, तो वेट गेन जो होता है ना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg होता है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 से 5.5 kg होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 से 5.5 होता है इसमें भी। तो इसका रेशियो भी कभी पूछा जाता है, तो 1:5:5 के रेशियो में होता है ये। तो 1:5:5 मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg, थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg वेट गेन होता है। तो ये रहा आज का लेक्चर, और सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके बाद 4-5 जॉइंटिस इन बेबी, मतलब न्यूबॉर्न बेबी में जॉइंटिस, ब्रेस्ट फीडिंग, और ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो भी 1-2 वीडियो आएंगे, उसमें कवर हो जाएंगे सारे, बाकी सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसी में से ही आएगा क्वेश्चन, और बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो, आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। अब नहीं पढ़ेंगे तो अब कब पढ़ेंगे, क्योंकि 15 दिन ही बचा है आप लोगों के लिए, तो वैसे 20 दिन बचा है, तो 20 दिन में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो भी अपने नंबर को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो पढ़ाई करिए अच्छे से, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को करिए ना, तो सफलतापूर्वक करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसमें बैक लग जाए। बैक वैक लगने वाला काम मत करिएगा, क्योंकि माँ बाप को काफ़ी तकलीफ़ होती है कि जब उनको उनके अंदर, वो बोलते भले नहीं हैं लेकिन उनके अंदर ये चीज़ें आ जाती है कि जब आपका फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में ही बैक आ जा रहा है, तो आपसे वो नौकरी की क्या ही आशा करें। और आप खुद सोचिए, जब आप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में बैक ला रहे हो, तो आप नौकरी की आशा करने लायक हो? बिल्कुल नहीं हो। तो ऐसा मत करिए, कितना भी कोशिश हो, ये 20 दिन में जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में, और अच्छे तरीके से तैयारी करिए जिससे बैक ना लगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।